हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब्स इन्फो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, जिन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें स्टाफ नर्स के 155 पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 5 मार्च 2019 है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी आपने किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितने भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो पोस्ट है AP स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2019, आप हमारी जो वेबसाइट है लेटेस्ट जॉब्स इन्फो .in वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट है, तो वो 5 मार्च 2019 शाम 5 बजे से पहले पहले आपको इसमें आवेदन फिल करके वो भेजना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको पे करनी है वो अदर कैंडिडेट्स के लिए 500, SST PWD और BC कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस इसमें पे नहीं करनी होगी। फ़ीस जो आप पे कर सकते हैं वही DD आपको बनवाना होगा बैंक से 500 रुपये का, जो कि आपको डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एट विजयवाड़ा के फेवर में पे करना होगा। इसके बाद वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स की 155 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट एंड जनरल नर्सिंग एंड मिडविफरी आपने कोर्स किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सैलरी जो उसमें दी जाएगी 25,140 रुपये से लेकर 72,270 रुपये तक इसमें सैलरी जो है वो आपको पे की जाएगी। इसके बाद एज की बात करें तो मैक्सिमम एज फॉर अदर कैंडिडेट के लिए 40 साल है और SC ST BC कैंडिडेट के लिए 45 साल, और एज रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा वो गवर्नमेंट्स के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। पोस्टल एड्रेस यहाँ पर हमने दिया हुआ है, इस पोस्टल एड्रेस पे आपको जो अपना आवेदन है वो फिल करके भेजना होगा। कुछ सर्टिफिकेट आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो सब यहाँ पर दिए हुए हैं तो आप इस लिस्ट से चेक कर सकते हैं। नीचे आप चलेंगे तो यहाँ पर हमने जो इम्पोर्टेंट लिंक है वो दिए हुए हैं, नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को आवेदन बढ़ने से पहले अच्छी तरह से रीड करें। उसके नीचे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो A4 साइज़ के पेपर पर आपको प्रिंट आउट लेके इसको फिल करके इनके ऑफिशियल एड्रेस पर सेंड कर देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमने अलग से भी एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पर ऊपर भी इंडिकेट किया हुआ है कि A4 साइज़ पेपर पर आपको ये जो फॉर्म है वो डाउनलोड करके और फिल करके भेजना होगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।